गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं सुमन यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में गुप्त काल की शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो देखिए यदि आप लोगों ने यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें शेयर करें तब आइकन दबाएँ ताकि आपको नए नोटिफिकेशन प्राप्त हों और आप एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो जानकारी प्राप्त कर सकें तो देखिएगा गुप्त काल के बारे में हमने काफ़ी कुछ पहले भी पढ़ा है गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य गुप्त काल की विशेषताएँ और गुप्त काल की जानकारी के स्रोत ठीक है तो आज हम इस वीडियो में गुप्त काल की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं गुप्त काल अपने उत्कर्ष काल में उत्तर में हिमालय से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व से बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में सूराष्ट्र तक फैला था ये साम्राज्य विस्तार था इसका गुप्तकाल का ठीक है पाटलिपुत्र इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी ठीक है तो गुप्त काल में जो राजधानी थी वो क्या थी पाटलिपुत्र थी गुप्तों की अब देखिएगा इनकी शासन व्यवस्था गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी मौर्य शासकों के विपरीत गुप्तवंशी शासक अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे तथा महाराजाधिराज परम भट्टारक एक राट परमेश्वर जैसी उपाधियां धारण करते थे समुद्रगुप्त को पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता कहा गया परंतु अपनी दैवीय उत्पत्ति के बावजूद वह स्वयं विधि नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता था सम्राट कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी न्याय का प्रधान न्यायाधीश एवं सेना का सर्वोच्च सेनापति होता था युद्ध के समय सम्राट स्वयं सेना का संचालन करता था प्रशासन के सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी गुप्त काल में रानियों का भी महत्व था जो अपने पतियों के साथ मिलकर कभी कभी शासन चलाती थी उदाहरण के तौर पर कुमार देवी ने अपने पति चंद्रगुप्त प्रथम के साथ मिलकर शासन चलाया था प्रभावती गुप्ता ने वाकाटक राज्य के शासन का संचालन किया था अब देखिएगा गुप्त काल में सामंतवाद तो गुप्त युग में सामंतवाद का उदय हो चुका था सामंतवाद के बारे में आपको हम आगे पढ़ाएंगे इसके लिए समुद्रगुप्त के अधीनस्थ राजाओं के प्रति अपनाई गई नीति ही उत्तरदायी थी समुद्रगुप्त ने जीते गए अधिकांश राज्यों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया तथा उनके राज्यों को स्वतंत्र रूप से अपने अपने क्षेत्रों में शासन करने का अधिकार प्रदान कर दिया अधीन राज्यों के अतिरिक्त सम्राट के अधीन अनेक छोटे छोटे सामंत हुआ करते थे जो अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से शासन करते थे तथा नाम मात्र के लिए सम्राट की अधीनता स्वीकार करते थे ये सामंत तथा अधीन शासक महाराज की उपाधि ग्रहण करते थे उन्हें सेना रखने तथा अपने अधीन जनता से कर वसूल करने का अधिकार प्राप्त था पूर्वी मालवा में सनकानी बुंदेलखंड में परिवराजक एवं उच्चकल्प वंशों के शासक गुप्तों के सामंत थे चंद्रगुप्त द्वितीय कालीन उदयगिरी के एक गुहालेख में सनकानीक महाराज का उल्लेख हुआ है सामंत शासक अपने लेखों में अपने को पादानुध्यात कहते थे वे विभिन्न अवसरों पर सम्राट की राजसभा में उपस्थित होते तथा भेंड उपहार आदि से उसे संतुष्टि करते थे कुछ सामंत अत्यधिक शक्तिशाली होते थे वे अपने अधीन कई छोटे छोटे सामंत रखते थे इनमें प्रियोराजक महाराज हस्तिन का उल्लेख किया जा सकता है यहाँ पर यह स्पष्ट हो रहा है कि अब प्रशासन में मौर्यकालीन केंद्रीय नियंत्रण समाप्त हो गया था वो बातों की एक बात है कि सामंतीय व्यवस्था यहाँ से स्टार्ट होती है ठीक है तथा मंत्री सम्राट अपने शासन कार्य में अम्मात्यो मंत्रियों एवं अधिकारियों से सहायता प्राप्त करता था अम्मात्य से तात्पर्य प्रशासनिक अधिकारियों से था उन्हीं में इसे योग्यता के आधार पर मंत्री नियुक्त किए जाते थे प्रयाग प्रशस्ति में राजसभा का उल्लेख मिलता है जिसके सदस्य सभ्य कहे जाते थे राजा का बड़ा पुत्र उत्तराधिकारी चुना जाता था सम्राट के छोटे पुत्रों को प्रांतीय शासकों के रूप में नियुक्त करने की प्रथा थी जैसे कुमार गुप्त प्रथम के छोटे भाई गोविंद गुप्त को मालवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था युवराज अपने पिता के शासनकाल में प्रशासनिक कार्यों में उसकी सहायता करता था गुप्त युग में युवराज के दीनता में सैनिक विभाग होता था सम्राट के वृद्ध होने पर प्रशासन का पूरा उत्तरदायित्व युवराज पर ही होता था उदाहरण के तौर पर कुमार गुप्त प्रथम जो उसका पुत्र था ने अपने पिता के काल में सैनिक अभियानों में प्रमुख रूप से भाग लिया करता था वो गुप्तकालीन लेखों से मंत्रियों तथा सचिवों के बारे में भी पता चलता है जैसे समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय के युद्ध सचिव हरिसेन एवं वीरसेन उच्च कोटि के सेनानायक भी थे वीरसेन के उदयगिरी गुहा लेख से पता चलता है कि वह आनुवंशिक रूप से अपने पद का उपभोग कर रहा था वह पहले मंत्री के पद पर था किंतु बाद में सेनापति अर्थात महाबलाधिकृत के पद पर पहुंच गया था देखिएगा ये पद कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं जैसे सेनापति का पद क्या कहलाता था कृत। ठीक है अब देखिएगा अगले अधिकारी थे केंद्रीय अधिकारी गुप्तकालीन अभिलेखों में निम्नलिखित पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं प्रतिहार एवं महाप्रतिहार ये क्या होता था ये राजकीय दरबार के, के प्रमुख पदाधिकारी थे जो प्रशासन में भाग नहीं लेते थे जो लोग सम्राट से मिलना चाहते थे उन्हें उचित अनुमति पत्र देना इनका प्रमुख कार्य था प्रतिहार अंतपुर का रक्षक एवं महाप्रतिहार राजमहल के रक्षकों का प्रधान होता था महासेनापति यह सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था महाशांधि विग्रहिक यह एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था जो युद्ध एवं शांति का मंत्री होता था दंडपासिक यह पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी होता था जो आजकल के पुलिस अधीक्षक के समान था विनय स्थिति यह धर्म संबंधी मामलों का प्रधान अधिकारी होता था जो सार्वजनिक मंदिरों के की देखरेख करता था एवं लोगों के नैतिक आचरण पर दृष्टि रखता था कुमारा माते के अनुसार कुमारा माते उच्च पदाधिकारियों का विशिष्ट वर्ग था जो आधुनिक आईएएस वर्ग के पदाधिकारियों की तरह से होता था इस वर्ग के पदाधिकारी अपनी योग्यता के आधार पर उससे उच्च उस पद पर नियुक्त किए जा सकते थे कुमारा मात्य का पृथक कार्यालय होता था जिसे कुमारा मात्याधिकरण कहा जाता था गुप्त साम्राज्य के पदाधिकारियों को नगद वेतन दिया जाता था ठीक है तो देखिएगा इस वीडियो में हमने गुप्तकालीन शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की और हमने जितने भी इनके ये जो मंत्री पद हैं इनके बारे में बताए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं तो आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा और हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद